हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आजकल जो है एक ट्रेंड चल रहा है, सब ट्रेडिंग लाइसेंस बना रहा है दुबई में। यहाँ ट्रेडिंग लाइसेंस इन द सेंस वो बिज़नेस फॉर्म कर रहा है, कंपनी बना रहा है। वजह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी शायद ये भी हो सकता है वजह, जो पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश का जो वीज़ा बंद हुआ, शायद इसी वजह से कंपनी फॉर्मेशन कर रहा हो, राइट? बट शायद ये भी हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर ज़्यादा बन रहा हो। कुछ भी हो, अच्छी बात है। तो मैं सोचा अपना जो बिज़नेस का फील्ड का मेरा जो एक्सपीरियंस है, कहीं मैंने नुकसान खाया, कहीं प्रॉफिट बनाया, तो मैं अपना जो तजुर्बा आप सबको शेयर करना चाहता था। ठीक है, तो ज़्यादा भाषण नहीं मारते हैं, सीधा बात करते हैं, सीधा पॉइंट की बात करते हैं। मैंने जो बिज़नेस शुरू किया था दुबई में, वो है 2022। ठीक है, हालांकि ज़्यादा पुराना नहीं, एक दो साल की बात है। एंड मेरे साथ दो दोस्त हैं, दोनों इंडिया से थे, अरुणाचल प्रदेश के था, एक का नाम सांग बोलते थे, दूसरा का नाम बच्ची बोलते था। ठीक है, एंड हमने जो बिज़नेस शुरू किया था वो बिज़नेस कोई बड़ा तो नहीं, बट जिसको हम रियल एस्टेट कह सकते हैं, मिनी रियल एस्टेट बोल सकते हैं। जैसे आप लोग वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पीजी है ना, उस टाइप का था। जैसे हॉस्टल बनाते हैं ना, उस टाइप का एक फ्लैट को रेंट लेना होता है, यहाँ पे लीज लेना होता है ईयरली बेसिस में, उसके बाद उसमें छोटा छोटा रूम बनाना होता है, ठीक है, उसको रेंटेड करना होता है। तो इसी टाइप का एक बिज़नेस था। तो उसका मैक्सिमम कॉस्ट क्या तक था और क्या एस्टिमेशन था, है ना, हमने कितना पैसा उसमें लगाया, कितना डुबाया है, तो ये सारा चीज़ें मैं आप सबको ब्रेक डाउन देना चाहता था। ठीक है, तो और हमने कितना नुकसान किया या कितना प्रॉफिट बनाया। एंड एक बात, आप वीडियो का अंत तक ज़रूर बैठिएगा ताकि आपको एक बढ़िया सा टिप मिल सके, यदि आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, तो वो ब्रेक डाउन मैं डायरेक्ट आपको या व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूँ। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, कम ऑन। सो यहाँ पे मैं बहुत कुछ लिख के रखा है ऑलरेडी, इसको पैडल हटा देते हैं सारा। ठीक है, ओह सॉरी, सो वेयर्स माय मार्कर। एक्चुअली जो हमारा बजट था वो थोड़ा टाइट था अकॉर्डिंग टू हमारा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट हमारा होना चाहिए था 65,000। ठीक है, कितना हुआ ये 65,000 ईयरली? हाँ ठीक है, YEARLY ईयरली होना चाहिए था। ठीक है, पर ये कम नहीं होता इंडिया के पैसे के हिसाब में देखा जाए तो, INR के हिसाब में देखा जाए तो ये लगभग होता है आपका 15 लाख होता है, 1500,000 समथिंग ही होता है, राइट? तो इतना अमाउंट तो हमारे पास ऑफकोर्स नहीं होगा, इतना होता तो हम अपने मुल्क में रहते हैं, राइट? तो हमारा इतना अमाउंट नहीं है, पर ये अमाउंट कमाने का हमारा इच्छा तो है। और जब हम यहाँ पे लीज लेता है कोई भी फ्लैट, आज से 2 साल का बात है, पहले की बात है, हमने लिया था 2 BHK फ्लैट जिसको रेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये अमाउंट को हमें डिवाइडेड इनटू 4 करना था। उसके बाद पहला मंथ का जो है लगभग, यदि 4 करता है तो कितना आएगा पर मंथ आपका, लगभग आएगा 16,000। ठीक है, 16,000 मतलब AED, हाँ ये दुबई के पैसा AED, यानी INR में देखा जाए, INR में देखा जाए तो ये लगभग आपका होएगा 4-5 लगभग, बीच में 4.5 मान लो, 5 लाख पकड़ चलो, चलो लगभग 5 लाख, 500,000, यानी 5 लाख समथिंग आएगा ये। यदि जब नेट अमाउंट कितना लगेगा ईयरली 65,000 और उसको डिवाइड करता है 4 मंथ में, तो शुरुआत का जो 3 मंथ का पैसा हमें देना पड़ेगा कितना, 5 लाख। ठीक है, 3 महीना का नेट अमाउंट ये आ गया। जब अभी फ्लैट ले लिया, ठीक है, तो कितना पे करना पड़ेगा हमें, लगभग 5 लाख रुपया। उसके बाद हमें लगाना होगा AC वहाँ पे, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब लगाना होगा, राइट? उसके साथ साथ हमें, और उसमें छोटा छोटा रूम बनाना होगा जिसको कहते हैं पार्टीशन, जहाँ पे इंडिविजुअली टेनेंट आके रहेंगे, जिसको हमें रेंट करना होगा। तो इसके लिए हमने और 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा जोड़ा, यानी यहाँ का AD के हिसाब से देखा तो 5,000 हमने प्लस किया और, ठीक है, AD प्लस किया, यानी इंडिया का कितना होता है 1 लाख, 1 लाख, LAKH। तो कितना हुआ टोटल, 5 लाख प्लस 1 लाख मतलब 6 लाख, राइट, 600,000। तो ये जो 6 लाख हमने एस्टिमेशन किया, इतना पैसा में हम 3 महीने के लिए एक फ्लैट रेंट कर सकते हैं। ईयरली इसका 65,000 है, हम इतना पैसा तो जुगाड़ नहीं कर सकते, मगर इंडिया का 6 लाख रुपया, यानी यहाँ का लगभग 30,000 समथिंग हम अरेंज कर सकते हैं। और 3 महीने के अंदर हमने इस बिज़नेस को बना लिया और रन कर सका, तो 4th महीने से हमको
क्या होगा, रेवेन्यू आने स्टार्ट होगा और उसी से हम बिजनेस चलाएंगे, ये हमारा एस्टिमेशन था। ओके, तो हमने टोटल पैसा अरेंज सिर्फ किया है इतना, यानी 30,000 AED, 30,000 AED, ठीक है, यही किया था। ओके, देन ये जो अमाउंट अरेंज हुआ 3 महीने की बाद, और इसी हिसाब से हमने फ्लैट लिया और सब कुछ बनाया भी, छोटा मोटा रूम भी, ये आप मेरे यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे जो मैंने अपना फ्लैट लिया था, जहाँ पे मैंने पर्सन वगैरह बनाए थे वहाँ पे रेंट किए थे। ये करने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन हम कहाँ पे चुक गया बोलने से, हम चुका है, ये तो बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम मार्केटिंग बराबर नहीं कर पाए, जिससे कि लोग नहीं आ पाए हमारे पास। कुछ लोग आए तो लोकेशन का समस्या था कुछ ना कुछ करके, तो इसी वजह से पहला महीना में कुछ लोग आया, दूसरा महीना में कुछ लोग आया, और हम जो हमने फ्लैट लिया था उसको फुल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम हर दिन नुकसान में जा रहे थे, मैंने हर मंथ नुकसान में जा रहे थे। और जैसे ही 3 महीना ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट 3 महीने के लिए हमें एडवांस पे करना था 16,000, यानी लगभग 4,500 से 5,000 एक्स्ट्रा पे करना था, सॉरी 16,000 मतलब लगभग 4,00,000 से 5,00,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करना था। और हमारा ये जो बजट था ना, ये हमारा जेब से नहीं था, ये सर हमने इंडिया से लोन विद इंटरेस्ट में लिए थे, इतना रिस्क भरा लिया था, ठीक है। उसके बाद 3 महीना ख़त्म हो गया, सारा चीज़ें बना लिया था हम लोग ने, पर जो रेंट में रहने के लिए लोग टेनेंट होते वो बहुत कम आए थे, जितना हमने एक्सपेक्टेशन किया था उतना नहीं आया था। और सबसे हमारा गलती क्या था, हमारे पास वो नहीं थे बैकअप, बैकअप का जो होता है ना एक्सपेंसेस, वो होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद 5 to 6 months तो चलना इतना पॉसिबल नहीं होता है, एटलीस्ट ईयरली का तो हमें बजट रखना होता है खुद के एक्सपेंसेस के लिए, हमारे पास वो एक्सपेंसेस जीरो थे और प्लस हम इंटरेस्ट में चल रहे थे, राइट, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक था। उसके चलते 3 महीना चला गया, कुछ ट्रेंड आया कुछ नहीं है ऐसे करके, पर हमें रियल एस्टेट को तो पैसा देना था आगे, फिर है ना, तो उसके लिए फिर पैसा उधार लिया, फिर लोन में लिया, हमारे पास कुछ बजट थे, दोनों दोस्त के पास कुछ बजट थे वो लगाया, ऐसे करते करते हम लोगों ने जैसे तैसे बहुत हार्डली 1 साल गुजारा और 65,000 नेट पे किया, साथ इंटरेस्ट पे किया और साथों साथ अपना जो थोड़ा बहुत सेविंग था वो भी गवाया। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कहाँ चुका है। यदि इन केस कल को आप ये ठीक है, अब यहाँ बैठ के बात करते हैं, कल को आप कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, पहली बात तो प्लानिंग होनी चाहिए, एस्टिमेशन बराबर होना चाहिए, एस्टिमेशन प्लानिंग के बाद सबसे अहम बात होता है आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट होगा अपना प्रोजेक्ट को लेके, चाहे ये बिजनेस हो कोई भी बिजनेस हो, उसके अलावा आपके पास एक्सपेंसेस फॉर अ ईयर या एटलीस्ट 6 months का एक्स्ट्रा आपके पास होना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप समुंदर में उतर रहे हो, एक मैराथन में उतर रहे हो, बिजनेस इज अ मैराथन, ये शॉर्ट रन नहीं है, है ना, तो एक मैराथन के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीने का आपके पास एक्सपेंसेस होना चाहिए था, और ये हमारे पास नहीं थे, और हमको ये कोई सजेशन देने वाला या सिखाने वाला भी नहीं थे। बट व्हाट वी डिड इज ग्रेट दैट वी टेकन स्टेप, हमने कुछ किया, स्टेप लिया, चाहे डुबाया ही सही, बट वी लर्न समथिंग, राइट। तो मैंने लगभग वहाँ पे 15 से 20 लाख 2022-2023 में गवाया, और उसी दौरान मैंने शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत नुकसान हो रहे थे तो कुछ पैसा कहीं से आ जाए ये सोच के, तो मैंने ये जो मेरा पीछे आप देख रहा है क्रिप्टो ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट आए थे, कोई एक फलाना अनजान बंदा लेकर आया था और मैंने आंख बंद करके उनको विश्वास किया, और वहाँ पे मैंने पर्सनली फिर 8 लाख इंडिया का लगभग यहाँ का 40,000 समथिंग फिर मैंने वहाँ पे गवाया। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमने 15 लाख गवाया टीम के साथ, यानी दो फ्रेंड के साथ, और इसको रिकवर करने का चक्कर में मैंने यहाँ पे गवा दिया। वहाँ तो मैंने कम्प्लीटली गवाया कह सकते हैं, उसमें मैं कुछ सीखा नहीं, पर यहाँ तो मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा था जो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप कोई बिजनेस करते हो तो एस्टिमेशन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, उसके बाद आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट के साथ एटलीस्ट 6 to 1 year का आपको वो होना है, क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। अच्छा, शुरुआत के दौर में मैंने एक बात बताया था आपको, यदि आप लास्ट तक बने रहोगे तो मैं आपको एक टिप्स दूंगा, राइट। टिप्स के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको, अपना तजुर्बा का बेस में आपके जो प्रोजेक्ट है उसको लेके, चाहे कुछ भी प्लानिंग हो, कोई भी आइडिया हो, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, या आपके पास एक्स्ट्रा पैसा भी क्यों ना हो, वह सब यदि आपके पास एग्जीक्यूशन बराबर ना हो ना तो फीका पड़ जाएगा जानू, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर बिजनेस,
एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है और वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी हम बात करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हो ना, दैट्स अ क्रिप्टो, जो कि आज से 2 साल पहले मैंने थोड़ा वो सुना था और मैंने शुरुआत भी की, ठीक है ना। आज इसी के बदौलत मैं हूँ दुबई में विथआउट जॉब, इसी के बदौलत नहीं बोल सकते, मेरा एक ऑलरेडी कंपनी भी है जो मार्केटिंग का आप सबको पता है, रुकाया कंपनी करके, वो दुबई में रनिंग हो रहा है, हमारा स्टाफ रन कर रहा है और ये क्रिप्टो थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में अपडेट आपको मिलते रहेगा जीएस प्रोमो चैनल में। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।